नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, कई लोगों का प्रश्न रहता है कि वे अत्यधिक कर्ज में डूब चुके हैं, जिसकी वजह से वे बहुत तनाव में रहते हैं। हालात इतने खराब हैं, खर्चे इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि बैंक का ब्याज तक भरने में कठिनाई होती है। तो ध्यान से सुनिए, इसके लिए शास्त्रों में एक विधान है। शास्त्रों में यह बताया गया है कि पहले तो जिंदगी में कोशिश करें कि कभी कर्ज ले ही ना, कभी नहीं तो कभी नहीं। मनुष्य जीवन में यह प्रयास करें कि हमें कर्ज लेना ही नहीं है, क्योंकि कर्ज एक ऐसी चीज है कि इस जन्म में बिना लौटाए मर भी गए तो अगला जन्म आपको किसी न किसी रूप में लेना ही पड़ेगा उस कर्ज को चुकाने के लिए। इसके लिए भगवान के वहाँ कोई समझौता नहीं है। तो शास्त्रों के अनुसार हमें अपना प्रयास करना चाहिए कि हम अपना सारा कर्ज चुका कर जाएं। सामान्यतया हम बैंक से कर्ज लेते हैं, हम कोई व्यवसाय करने की सोचते हैं, फैक्ट्री इत्यादि खोलने की सोचते हैं, तो बैंक हमें लोन दे देता है और हमें शुरुआत में बहुत खुशी होती है। हमें लगता है कि इस लोन को तो हम आसानी से चुका ही देंगे। लेकिन जब हम कार्य क्षेत्र में उतरते हैं तो हमारा कार्य यदि उचित ढंग से नहीं चल पाता है तो हमें उस कर्ज को चुकाने की चिंता सताने लगती है। हमारा व्यवहार बदल जाता है, हमारा मन किसी से बात करने का भी नहीं करता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका सारा कर्ज उतर जाए, आप किसी का लेके बिना चुकाए मरना नहीं चाहते, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। लेकिन ये उपाय सिर्फ ईमानदार लोगों के लिए है, जो ईमानदारी से अपनी श्रद्धा से इन उपायों का अनुपालन करेंगे, और गारंटी है 100% कि आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी। बस आपको बताए गए उपायों का सही से पालन करना होगा। 3 उपाय बताए गए हैं जिसमें 100% कर्ज से मुक्ति मिलने का दावा किया गया है। यदि हमें लगे कि हम कर्ज चुकाने में असमर्थ हैं, तो उन लोगों के लिए 3 उपाय हैं, ध्यान से सुनना। पहला उपाय, एक नारियल ले और उस पर चमेली के तेल से और सिंदूर से एक स्वास्तिक बनाए और कुछ भोग जैसे लड्डू या गुड़ रखकर मंगलवार के दिन शाम के समय हनुमान जी के चरणों में चढ़ाएं, और ऐसा आपको 5 मंगलवार नियमित करना है। इसमें कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं लगेगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो 1-2 मंगलवार ऐसा करने के बाद आप स्वयं यह अनुभव करेंगे कि कुछ रास्ते दिख रहे हैं। लेकिन ये उपाय करें तो श्रद्धा से करें और नहा धो के करें। दूसरा उपाय, शनिवार के दिन सुबह स्नान करने के पश्चात जितनी आपकी हाइट है यानी लंबाई है उतना लंबाई काला धागा लें और अपनी हाइट के अनुसार उस काले धागे को नाप लें और फिर उस काले धागे को एक नारियल पर लपेटकर शनिवार के दिन नदी के पास या फिर बहते हुए पानी के पास आप चाहो तो थोड़ा सा इसका पूजन घर में ही कर लें, अन्यथा नदी के पास में ही कर लें, और नदी में वह नारियल बहाते समय यह प्रार्थना करें कि मैं अपनी यह मुसीबत बहा रहा हूँ, मेरा कर्ज चुक जाए, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो जितना नारियल बहकर जितनी दूर जाएगा उतनी ही आपकी मुसीबत भी बहके दूर चली जाएगी। तो ध्यान रहे कि शनिवार को करना है और बहते हुए पानी से करना है, और बहते समय जितनी आप प्रार्थना करें अपने इष्ट से, अपने आराध्य से, उतनी ही आपकी बात स्वीकार की जाएगी। तीसरा उपाय बहुत ही सुंदर और अहम है। सोमवार वाले दिन किसी वट वृक्ष यानी बट के वृक्ष के पास एक लोटा जल लेकर जाएं। एक लोटा जल ले जाकर बट की जड़ में वह जल चढ़ाएं, और यह ध्यान करते हुए कि हम बटकेश्वर महादेव को स्नान करा रहे हैं, और अपने सारे दुख वहां प्रकट कर दें, अपनी बातें वहां प्रकट कर दें, कर्ज की बातें, अपने दुख तकलीफ परेशानी वो सब वहां पे कह दें। ये उपाय भी आप 5 सोमवार तक करें। 5 सोमवार करना है और ये कोई बड़ा काम भी नहीं है, जल चढ़ाकर और प्रार्थना करके आ जाना है। तीसरे अथवा 5वें सोमवार के दिन आपको बट की छोटी सी जड़ वहां से ले आनी है, जहां पे आप जल चढ़ाते हैं वहीं से छोटी सी जड़ ले आनी है और उस जड़ को घर में रख देना है, पूजा के स्थान पर रख लें 1 हफ्ते तक, और फिर 1 हफ्ते के बाद उस जड़ को किसी लाल धागे में बांधकर या तो अपने गले में रखें या फिर अपने जेब में रखें, उसे अपने पास 2-3 महीने तक रखें,
आप पाएंगे कि वह जड़ भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। बट वृक्ष में लक्ष्मी माता की असीम अनुकंपा होती है और कई बार माँ लक्ष्मी वट वृक्ष के नीचे निवास करती है। तो जब आप वट के वृक्ष पर जल चढ़ाते हुए वटकेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे और 5 सोमवार तक ऐसा नित्य करेंगे और 3रे अथवा 5वें सोमवार में वो जड़ ले आएंगे तो वो जड़ भी बढ़ती चली जाएगी और वह जड़ जो जो बढ़ेगी आपके घर में लक्ष्मी का आकर्षण होगा और आपके घर में लक्ष्मी माता की कृपा होगी। और जब लक्ष्मी माता की कृपा आप पर होगी तो आपका कर्ज तो चुक ही जाएगा। तो ये थे कुछ उपाय, आप इन्हें जरूर अपनाएं। महादेव का, भगवान हनुमान का और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहे और बैंक का, पड़ोसी का और रिश्तेदारों के कर्ज से आपको जल्दी मुक्ति मिले, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान, जय गुरुदेव।